सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले दो महीने एक ओर जहां किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, साथ ही ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में हैं, वहीं आज ठाकरे सरकार भी किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरने वाली है। मुंबई के आजाद मैदान में रैली होने जा रही है। इस रैली में शामिल होने के लिए रविवार शाम तक महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में किसान मुंबई पहुंच चुके हैं। किसानों की इस रैली में महिलाएं भी अच्छी खासी तादाद में हिस्सा ले रही हैं। मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा हुए किसानों ने गणतंत्र दिवस भी यही मनाने का फैसला किया है। किसान मुंबई के आजाद मैदान में ही आंदोलन के समर्थन में तिरंगा फहराएंगे। पुलिस ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए। SRPF के जवानों की तैनाती के साथ ड्रोन से निगरानी का प्रबंध भी किया गया है। आजाद मैदान के आसपास 100 अधिकारियों और 500 कांस्टेबल की अतिरिक्त तैनाती की गई। किसानों की इस रैली को NCP नेता शरद पवार के अलावा प्रदेश कांग्रेस और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर जाएंगे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि किसान समर्थक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। रैली सुबह 11 बजे आजाद मैदान में शुरू होगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर मार्च करेंगे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान भारी संख्या में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर पहले से हजारों किसान ट्रैक्टरों में करीब 2 महीने से रह रहे हैं और पहले भी दावा कर चुके हैं कि वे 6 महीने की राशन व्यवस्था के साथ आए। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।